अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्त, अगर आपको ट्रैश गिफ्ट रैप में करके दे दिया जाए तो आप उसे कभी कबूल नहीं करेंगे। याद रखें कि झूठ भी एक ऐसी ही गलाजत है और इसको अक्सर बहुत खूबसूरत लिफाफों में पैक करके आपको दिया जाता है। वो कौन से लिफाफे हैं? वो हैं सियासी बयान और मसलहत के तहत बयान। ये दोनों अल्फाज याद रखें, क्योंकि इलेक्शन का दौर दौरा है, तो जब भी कोई सियासतदान आपसे ये कहे कि वो मेरा सियासी बयान था, या ये कहे कि मसलहत के तहत, तो जान लें कि उसने आपसे झूठ बोला। और झूठ एक ऐसी चीज़ है, किसी सूरत उसको कबूल नहीं करना चाहिए। और याद रखें कि ये कोशिश यही करेंगे कि आपको सियासी बयान कह के अपने तमाम झूठ, झूठे वादे, झूठी उम्मीदें, झूठे ख्वाब, सब्ज बाग, उन सब को अपने माजी से धो लें और दोबारा से आपको वैसे ही बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करें जैसे उन्होंने पहले किया। लेकिन याद रखें, आपके तजर्बे से बेहतर कोई वाइज नहीं है जो आपको बता सके कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। आइए इसी पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का शो। आज आपको मिडिल क्लास हाउस में ले चलते हैं और देखते हैं वहाँ क्या गहमा गहमी। ये तो नक्शा ही सारा बदला हुआ है भाई। हाय खाला, गैस से आंधी नहीं पी तो रोटी सालन कित्थ बनावा? हरून पुत्र, आज दिया कुड़िया ने वेख ला जी जी, सारी जिंदगी ऐसी इंजी पकाया बगैर आग के। हाँ जी, इन्हें सारी जिंदगी बगैर आग तो पकाया। वो कैसे? जिदा गल्ला कर कर मेरा दिमाग सारी जिंदगी पकाया। आप ये कर क्या रहे हैं? आप मुझे इस वक्त ना एक मोटी सी अनारकली लग रहे हैं। तू तो एवं फजूल टैलेंट हंट लभदा फिर। अच्छा यार, आप दीवार बना रहे हैं तो दरवाजा थोड़ा सा खुला बना लें इस दफा। ओ दीवार नहीं बना रहे यार, बीमार शमार रहती है, मैं बाहर नहीं दफनानी। ए सलूदे बा, मैं मरी नहीं हजे जीवंदी आ, ते मैं कदों बना ली है, हजे तो बनती पई है। बजू हजार वारी समझा चुके हैं कि जगह नहीं है कि बाथरूम वाली। वैसे आप इसकी बात मान जाए, क्योंकि इसमें मेरा ख्याल है इसकी राय मोतबर है। मतलब आप घर के फर्द है ना यार। जो तुम क्या मुझे समझ आ, मैं पता नहीं इतने बह के कितना बना रहे, तेरे हिसाब ना इतने 80 की दुकान बनती है। यार जो मर्जी करो, मेरा दिमाग ना खराब करो सुबह सुबह। इनू तू जिन्ना मर्जी साफ कर ला, एदा मुंह तेरे अरगा ही रहना। तेरा भी कुछ कर ला वे सलू दे बा। आपको क्या हुआ है? ताप चढ़िया हरून पुत, कांबे वाला ताप है, चार चार रजाइयां भी लावा तो मेरा ताप नहीं उतरता। आपकी बहू है ना? बहू कि टुट पैनी, आ वे आके लियानी सी मैं अपनी भांजी। ओ भांजी भी चुल्हे दे अगे इदा बैठी जिदा मॉर्निंग शो च नहीं आई। आप बुलाए उन्हें, उन्हें कहे वो भी आपकी खिदमत करेंगी। निशगुफ्ता। हाँ जी अम्मी जी। भाई काका तेरे ते फटकार। क्यों? कितों शगुफ्ता? गुफ्ता नहीं है, शगुफा तो है ना। करो को काम कर दी होनी है, अंदर नहीं आवाज पहुंची ओदे तक। वे मेरा कुछ कर लो पुत, मेरा बुखार नहीं उतरता पिया। मां जी दसो की खिदमत करिए ताडी। पुत मैनु कोई यखनी बना के दियो। ते ओ जड़ी तेरे कोल बैठी ओ सिर्फ चाइनीज बनाउंदी है। आप अपनी वाइफ को बुलाएं जरा, आंटी की खिदमत हो। ओ शगुफ्ता बाहर आ। मैं बिजी हां। ओ कादे च? रजाई च बैठ के अंडे छिलन दई हां। अच्छा रजाई में, इसीलिए इतनी मफल्ड होके आवाज आ रही है ना? मैं इतनी दूर तक सोच ही नहीं था। मां जी मैं ताडे लिए लेके आना देसी मुर्गी। हां ओदी तानू बना के देना यखनी। शाबाश। फिर ताडा बुखार जेड़ा ना उठी थोड़ी थोड़ी ज्यादा ले आना मुर्गी। जी जी है। ओ तो बनी हां रेड़ के तू एदा ले जा रहा है जदा मोटरसाइकिल जिबा करा के लेवणी। पे मां नु दबा वे। मां जी मौसमी बुखार है, परेशान ना होवो, ये हो जाएगा दवाई ना ठीक। अच्छा। मासी नजीरा नहीं सी? हाँ हाँ पुत। वो भी ऐसे ताप ना ही फौत हुई सी। वे पुत मरन वाले का नाम क्यों लेना? मैनू वेख हजे मेरी उम्र की है। मेरे वाल देख के हिसाब ला लो। अगर तेरे वाल देखो तो फिर तो थोनू अगे पिछे जाना चाहिए। अब्बा जी 2.5 घंटे हो गए कंध बनाउंदे नू, मूड़े तो ता नहीं गई हजे कंध। तू कदी मेरा पुत गौर ना शीशा देखे? मेरे किसे काम दा रिजल्ट सही है? यार एक तो ना स्यापा नहीं मुकदा घर चो पुछ जान। तेरे पता गल मैनू कितनी बुरी लगती है। की होया भाई? पुछन भाई आग तो है के नहीं? क्या हुआ? उधर मोटरसाइकिल दा सारा पेट्रोल में गाता जी, बाहर गैस स्टार्ट नहीं हुई, फिर सारा मल्ला मेरे तो तू तू करन रिया। अच्छा आर यू श्योर कि वो पेट्रोल ना होने की वजह से तू तू कर रही? नहीं जो थोड़े ज़हन च ना फिर तो मोहल्ले नु मेरे ते तू। नहीं यार साड़ी भी कुमार से जिद्दत है, को तेनु शर्म हया तेनु है कि नहीं? हरून साहब पेट्रोल मुकन च शर्म हया वाली केड़ी गल होगी, मैं काम गया सी।
ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਆ, ਤੇਲ ਪਵਾਈਏ ਕਿੱਥੋਂ? ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 200 ਜਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਰਕਸ਼ਾ ਵਾਲਾ 350 ਮੰਗਣ ਦਿਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੁਕੜੀਸ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਬਕਵਾਸ ਮਤ ਕਰ, ਸੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜਵਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ। ਇਹ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ? ਆਵੇ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਤੇ ਲੱਟ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਵੇਖ ਲਓ। ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਪੁੱਤ? ਠੀਕ ਹੈ? ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਜੀ? ਅੱਲਾ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਹਾਂ। ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਕੇ ਬਗੈਰ ਯਹਾਂ ਪਰ ਆਏ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਪ ਚੜਿਆ। ਯਕੀਨ ਕਰ, ਅੱਜ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਠੰਡ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਈ ਵਿਚਾਰੀ। ਓਹੋ, ਮੈਂ ਕੋ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਆ ਫੜੋ, ਲਿਆਓ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਵੇ ਕੀ ਇਹ ਆ। ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਆ, 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੇ। ਇਹ ਧੋਣ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇਣੇ ਆ? ਉਹ ਦੋ ਤਾਂ ਸੂਟ ਆਏ, ਮੈਂ ਬਸ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ ਹੀ ਮੰਨੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ। ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਆਈ ਆ? 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਦਾ ਜਵਾਈ ਆ? ਕਿਉਂ? 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਆਈ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਆਪਕੋ ਕਿਉਂ ਬਤਾਤੇ? ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਥੁੱਕਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਥੁੱਕੀ ਵੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਆ। ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਵੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬੇਵਕੂਫ ਆਦਮੀ, ਉਹ ਨਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ? ਠੰਡ? ਹਾਂ ਪੁੱਤ, ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀ। ਕਾਂਬਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂ ਪੁੱਤ। ਸਿਰ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਪੁੱਤ ਬਹੁਤ। ਇਹ ਬੁਖਾਰ ਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਕੇ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਸੇਕਾਂ। ਆ ਦੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ? ਕੋਈ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਾ ਕੇ ਲਿਆਵੇ, ਮੈਂ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾਵਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਭਰਾ ਲਿਆਉਣਾ ਵਾਂ। ਭਾਈ ਜਾਨ, ਫੁੱਲ ਭਰਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਆ, ਨਾਲੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਵੀ ਨਾਲੇ ਫੁੱਲ ਭਰਾ ਕੇ ਲਈ ਬੱਲੇ। ਭਰਵਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾ ਵਾ ਬਈ? ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਵਾ ਦਈਏ? ਰੂਮ ਸਾਹਿਬ ਜਹਾਂ ਸੇ ਭਰਤੇ ਹੈ ਸਿਲੰਡਰ? ਉਹ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਤਾਂ ਲੱਕ ਤੋੜਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਆਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਮਾ ਗਮੀ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਆਊਗੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਜਲੂਸਾਂ 'ਚ, ਹਮ ਯੇ ਕਰ ਦੇਂਗੇ, ਹਮ ਬਿਜਲੀ ਕੋ ਨੀਚੇ ਲਾਏਂਗੇ। ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣਗੇ? ਹਮ ਗੈਸ ਕੋ ਨੀਚੇ ਲਾਏਂਗੇ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ। 300 ਯੂਨਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, 300 ਯੂਨਿਟ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਕਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ 300 ਆ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਣਾ 600 ਤੇ 300 ਫ੍ਰੀ। ਅਰੁਣ ਸਾਹਿਬ, ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਮ ਪਰ ਤੋਂ ਦੇਖੇ ਨਾ, ਡਬਲ ਡਬਲ ਬੋਝ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਗੈਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਿੱਲ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਬਿਜਲੀ। ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਦੀ। ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੈਸ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ? ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਗੈਸ ਕੇ ਸਿਲੰਡਰਸ ਵੀ ਭਰਵਾਏ, ਫਿਰ UPS ਵੀ ਲਗਵਾਏ, ਜਨਰੇਟਰਸ ਵੀ ਲਗਵਾਏ, ਔਰ ਸਾਥ ਮੇਂ ਬਿਲਸ ਵੀ ਦੇ। ਇਸ ਮੇਂ ਆਵਾਮ ਵੀ ਕਹੀਂ ਨਾ ਕਹੀਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੈਸੇ? ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੇਂ ਕਿ ਜਬ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪਕੋ ਗੈਸ ਕੌੜੀਓਂ ਕੇ ਭਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਥੇ, ਆਪ ਲੋਕ ਕਿਤਨੇ ਖੁਸ਼ ਥੇ? ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਕੋ ਲਗਤਾ ਥਾ ਕਿ ਇਹ ਕਭੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ, ਔਰ ਇਹ ਤੋ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਤੀ ਰਹੇਗੀ। ਚੂਲੋਂ ਮੇਂ ਆਪਕੇ ਆਲਮੋਸਟ ਫ੍ਰੀ ਆ ਰਹੀ ਥੀ ਗੈਸ, ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਚੂਲੇ ਜਲਾਏ ਰੱਖਦੇ ਥੇ, ਇਤਨਾ ਤਰਦੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਥੇ ਕਿ ਉੱਠ ਕੇ ਚੂਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਕਿ ਗੈਸ ਤੋ ਬਈ ਇਤਨੀ ਸਸਤੀ ਹੈ, 20 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਤਾ ਹੈ, 25 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਤਾ ਹੈ। ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਸਭਸੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਜੋ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਰਿਆਸਤੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਆਪਨੇ ਸਾਰੀ ਕੀ ਸਾਰੀ ਗੈਸ ਆਪਣੀ ਗਾੜੀਓ ਮੇਂ ਡਾਲ ਕੇ ਚਲਾ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਓ ਸਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੈਸ ਦਾ ਇਹ ਆਲਮ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਜਾਓ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਗੈਸ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਵੇਖੋ ਵੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਆਜੋ ਜੀ, ਆਜੋ। ਕੌਣ ਆ? ਆਜੋ ਭਾਜੀ, ਘਰ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਘਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਆਵੇ ਆਵੇ, ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਆਵੇ ਆਵੇ, ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਆਵੇ ਆਵੇ, ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ। ਭਾਜੀ ਆ ਗਿਆ। ਓ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ, ਓ ਧਮਾਲਾਂ ਪਾਓ, ਓਏ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਓ, ਓਏ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵੰਡੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਇਹ ਖਲੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਵੀਦ ਲੰਬੜ। ਹਾਂ, ਨਵੀਦ ਲੰਬੜ ਸਾਹਿਬ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਆ, ਤੁਗਨੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡੋ। ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ, ਨਵੀਦ ਲੰਬੜ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਨਵੀਦ ਲੰਬੜ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ। ਸਰ ਬੈਠੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬੈਠੋ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਚਾਚਾ ਜੀ? ਕਾਕਾ, ਆ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਧੁੱਪੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆ।
ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜਨਾਬ ਅਲੀ? ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਚਾਚਾ ਜੀ। ਨਮੀਦ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜੋਤੇ ਸੀ। ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਸੀ। ਉੱਠੋ ਖੜੇ ਹੋਵੋ। ਚਲੋ ਕਿਆ ਹੋਆ? ਚਲ ਕਾਕਾ ਚਲ, ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਵਾਈ ਸੋਈ ਨੀ ਲਈ। ਬੈਠੋ ਚਾਚਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿਛਲੇ ਟਨੇਰ ਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ 2.5 ਸਾਲ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋਨਾ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬੰਦ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ? ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਫੌਤਗੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ। ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨੀ ਕਰਨੀ, ਐਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਸਰਾਂ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ। ਐਰ ਕੇ ਅਸਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਈ ਹੈ, ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਵੋਟ ਆਪਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਵੋਟ ਦੇਣਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਆ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ, ਸਿਲੰਡਰ ਸਾਡਾ ਵਿਹਲਾ ਪਿਆ ਵਾ, 3-3 ਦਿਨ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੰਡਰ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਕੋਈ? ਹੁਣ ਨਵੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ? ਦਵਾਈ ਦਵਾਈ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਰੰਗਤ ਕਿਆ ਸੁਰਖ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਜੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਜਾਏਗੀ ਦਵਾਈ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਐਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨਸੂਬੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋਨਾ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਹਲਕੇ 'ਚ ਫਿਰ ਫਿਰ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਨਹੀਂ, ਜੋ ਬੂਟਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹਲਕਾ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਤੱਕ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ, ਪੁੱਤ ਤਸਮੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾ ਦੀ? ਓਵਨ ਸਾਡਾ ਖਰਾਬ ਪਿਆ ਵਾ। ਓਵਨ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਉਹ ਜਮੀਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਵੀਦ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਵੀਦ ਕੌਮੀ ਦਾ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ, ਸਬਾਈ ਦਾ ਨਵੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ। ਲਓ ਜੀ, ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਹੀ ਜਿੱਤਣ, ਮੇਨ ਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਯਾਦ ਹੈ। ਉਹ ਚੌਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡਾਰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਟ ਆ, ਚੌਧਰੀ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਲਓ ਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਵੀਦ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਨਵੀਦ ਹੀ ਮਿਲਿਆ? ਆਪਕੋ ਕੋਈ ਇੰਤਖਾਬੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਮਿਲਾ ਹੋਗਾ? ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਸਰ, ਡੋਈ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹਾਂਡੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਯਾਰ ਇਹ ਇੰਤਖਾਬੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੇੜ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਡੋਈ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੋ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਹੋ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਆਈ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੀ? ਉਹ ਜੀ, ਕਰਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਕਰਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਮੈਂ ਜੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋਗੇ, ਜਿੱਤੋਗੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ ਜੀ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ ਜੀ? ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਖਲੋਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਸਮ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੋਟਰ ਹੋ ਨਾ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੱਦਮ ਜਨਾਬ ਬਣਗੇ। ਓ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਬੈਠੋ ਸਰ, ਬੈਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡਰਾਮੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਵੋ। ਤੇਰਾ ਭਾਈ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ, ਜਮੀਲਦਾਰ, ਜਮੀਲਦਾਰ। ਓ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਨਵੀਦ ਡਾਰ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਲਿਆ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਗੈਸ ਸਸਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸਸਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਟਿਊਨਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਂ ਕੈਂਗਰੂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ, ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਕੈਸੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਸਤਾ ਕਰਨੇ। ਮਾਂ ਜੀ, ਤਬੀਅਤ ਕਿਸੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਪੁੱਤ ਬਹੁਤ ਤਾਪ ਚੜਿਆ। ਓਏ ਛੇਤੀ ਚੱਲ ਜਾ, ਮਾਂ ਜੀ ਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਤੂੰ ਜਾ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਮਾਂ ਜੀ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੜੋ ਨਾ, ਲੜੋ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਮਾਂ ਜੀ, ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਉਹ ਲੈ ਆਉਣ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਲੈ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਵਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਵਾ ਦਿਆਂ, ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਵਾ ਦਿਓ ਪਿੱਛੇ। ਜਾ ਫਟਾਫਟ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ ਜੀ ਭਾਜੀ। 100 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਾ ਫਿਰ। ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ ਡਾਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਹੈਲੋ ਭਾਈ ਜਾਨ, LCD ਠੀਕ ਹੋ ਨਾ? ਹਾਂ ਹਾਂ, ਓਏ ਹੋਏ।
ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪਏ ਆ। ਹੈਲੋ ਨਵੀਦ ਆ ਯਾਰ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯਾਰ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨਕਾ ਯਹੀ ਹਾਲ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਸੀ ਧੋਣ ਵਾਲੇ? ਹਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋਣ ਵਾਲੇ। ਹੈਲੋ ਲਿਓ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਰੇ ਵਾਹ, ਹੁਣ ਵੋਟ ਨਵੀਦ ਲੰਬੜ ਦਾ। ਆ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਵੋਟ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ। ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨੀ, ਇੰਨੀ ਵਿੰਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨੀ ਬਣਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਹਲਕਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵੋਟ ਗੁਜਰਾਤ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਵੋਟ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਦਾ। ਓਏ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਓਏ ਯੇ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਕੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਸਭ ਹੋ ਰਹਾ ਥਾ। ਸ਼ਰਮ ਕਾ ਮਕਾਮ ਹੈ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਵੋਟ। ਜੋ ਨੁਕਸ ਕਪੜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਧੋ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਯਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਲੋਗੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੁਆ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯੇ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਕ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਧੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਰੇੜ ਕੇ ਸੁੱਟੀ ਹੁਣ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵਕਤ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕਾ ਕਹੀਂ ਮਚ ਜਾਏਗਾ, ਵੀ ਮਿਲਤੇ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਕੇ ਬਾਅਦ। ਇੰਨੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਗਏ, ਚੋਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਉਤੋਂ, ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਸੁਰਖੀ ਇਹਦੇ ਹੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀਲਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਸ਼ਈ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਸਹੀ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਾਬ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਫਿੱਕਾ ਹੀ ਗਾਉਂਦਾ ਹੀ। ویلکم بیک ناظرین۔ ناظرین بریک میں ہمارے پاس ایک خاتون آئی ہیں، اس بار ایک اور بیٹے کو لے کر آئیں۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کس سلسلے میں تشریف لائیں۔ خراب ہو گیا بیڑے گرک ہو گیا نے رون، یقین نظر آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے۔ ایکو میرا منڈا تھانوں پتہ ہے اتھے لے کے آئی سا تہاڈے کول، ون ویلر نکلا ہے۔ جی 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 جی، اے کوئی چنگا ہے ون ویلنگ نہیں کرتا ہے۔ اچھا اچھا اچھا، اے نشہ کرتا ہی، یہ سیدھی فلائٹ کرتا ہے۔ اینے نشے کرتا یقین کر گئے، ਚੋਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਉਤੋਂ, ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਸੁਰਖੀ ਇਹਦੇ ਹੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ। ਅੱਜ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਫੜ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਜੁਹਾਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀਲਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਸ਼ਈ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਸਹੀ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਾਬ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਫਿੱਕਾ ਹੀ ਗਾਉਂਦਾ ਹੀ। ਉਸ ਸਿੰਗਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਖਾਲਾਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਖਰਾਬ ਬੱਚੇ ਵੇਚ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਇਹ ਭੈਣੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਹੁਣ ਧੋਖਾ ਪਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪ ਚਾਰਲੀ ਆ, ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਈ? ਬਾਜੀ ਆਪਕਾ ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੈਮਰੇ ਬੰਦ ਕਰੋ ਨਾ ਤੇਰਾ। ਅੱਛਾ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ। ਆਪਕੋ ਪਿਆਰ ਸੀ ਕਿਆ ਕਹਤੇ? ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਵੇ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਐਡੀ ਗੈਰਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਤੂੰ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਬਬਲੀ ਹੈਗਾ ਹੀ। ਖਾਲਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇ ਕਰਦਾ ਵਾ ਬੰਦਾ? ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ, ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਕੇ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਕੋ ਅਜ਼ਮ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨੂੰ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ? ਅੰਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਜ਼ਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ਼। ਅੱਛੇ ਖਾਸੇ ਜਵਾਨ, ਹੈਂਡਸਮ, ਹੱਟੇ ਕੱਟੇ ਹੋ, ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਮਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ
ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ? ਵੇਖੋ ਇੱਧਰ ਲਾਲੀਆਂ ਭਖ ਰਹੀਆਂ। ਮੋਟਰਾਂ ਲਾਲਾ ਵੇਚਦਾ, ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਗੱਟਰਾਂ ਦੇ। ਓਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਕਿਤੇ ਟਰਾਈ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਵੇਚ ਆਇਆ। ਕੱਲੇ ਪ੍ਰੇਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੁੰਡਾ ਨਸ਼ਾਈ ਪੁਲਿਸ ਲੋ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਈ ਕੀ ਤੀ? ਵਾਲਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦਾ। ओह माय गॉड यार, शर्म करो। देखो मेरी बात सुनो, हम समझते हैं तुम्हारा ये मसला है। हम तुम्हें लेके जाएंगे रिहैब में, वहां तुम्हें दाखिल कराएंगे और इंशाल्लाह ताला तुम महीने डेढ़ दो बार ठीक हो जाओगे। तीन चार बारी कराया है, उत्थों दौड़ आंदा है। ओ लाल पुल देखे है मुगलपुरे? जी जी, जिथे नशाई नशा का। जी जी, पुल दे नाल ही इधर दरख्तां दे कोल। बिल्कुल बिल्कुल। पुत्र तू तो जवान जान, तू तो ना ना काम कर। भाई मैंने गुजरते हुए देखा है। गुजरते तो नशे ही नजर ही नहीं आता, जिंदर कोल ना जाइए। उथे मैं गई, उ मैं पिछों फड़े, उ टीके ला दिया, उतो आ गए मीडिया वाले। फिर पता नहीं सोशल मीडिया ही सही मीडिया से। फिर कैमरा जी किया, मैं मुंह से चादर ले ली, मैं कहते कह ही ना दवे कि मेरी माँ है। वो सवाल ही जीव जीव करते ने। वालदा पूरे खानदान का ना असी रोशन किया। बड़ा मैं ना वे मुंह तो लैटा पैन दियां ने। एक गटर का ढक्कन नहीं इन्हें रहन दिता, यकीन कर सारे ही चुक लैन। देखो ये जो तुम कल भी बंदा डिगया, इन गंदियां गालां कढ़न दे, कौन चुक के लै गया? मैं हूं डर दी दसा ना कि मेरा मुंडा है। देखो मेरी बात सुनो जी, तुम ये जो ढक्कन वगैरह चोरी करते हो, ये बेचते हो, फिर नशा करते हो, अपने दुश्मन क्यों? ये खुदकुशी है। किनू बेच के सस्ते बेच आंदा है? तुसी लोहे दा नहीं काम करदे? आप डील बनवाना जा रही है? मैं अगर कोई चंगा रेट लगे तो उत्थे बेच, चलो चोरी दा फायदा ते होवे। देखो बाबा जी, सड़क के दरम्यान जो ढक्कन रखोगे जी जी, तो आंदा जाता कोई लंघेगा, कितने ठेडा ना लग जाए असं चुक लेने। लोग उसमें गिर जाते हैं, हड्डियां तोड़वा लेते हैं। ना बाबा जी, असं ओह जे नहीं है। फिर साड़ी वालदा ने बड़ी अच्छी तरबियत की थी साड़ी। क्या करते हो तुम? जो असि ढक्कन चुकी दे ना, उथे टहनी फसा गया। और ना खराब नशे कर करके तो ग्रीन पाकिस्तान बढ़ाते हैं। यार शर्म करो, क्या नाम क्या तुम्हारा? सोना। सोना नशा करता है। यानी सोना नशा करता है? वाह ना खुदा। अच्छा अच्छा मेरी बात सुनो, ये देखो तुम्हारी माँ की उम्र है कि वो जाके सड़कों से फल इकट्ठा करे, खाना इकट्ठा करे और तुम्हें खिलाए। मैं तुहानू केड़े वेले कहा था मैं कट्ठे कोलो ना आइटमां बनाई जाओ पेंट कोट पा के। ये फैसला उसका ठीक था, सर्दी में फ्रिज का काम कोई नहीं है। सही गल है, तुहाडे लई भी गड्डी दा कोई काम नहीं, बेच दिए। अच्छा ये बताएं कि आपकी जिंदगी का सबसे पुरसकून अच्छा दौर कौन सा था? जिस दिन खामद फौत होया। नहीं उस दिन तो बाबा रौनक लगी जिस दिन। अच्छा। मेरे ही गले मिलते सन सारे। मेरा खामद मिले तो मैनू ही उन्होंने कहना है ऐ तो निके निके एडे 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 छड़ के मर गए। कितने कितने? एडे 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 बराबर जी छड़ा गया तुहाडा। मैं पाले यार यकीन कर, मैं दूजा ब्याह ही नहीं किया, मैं कभी सुरखी नहीं लाई, अज तेरा करके लाई है थोड़ी जी। यार देखो अपनी वालदा की तरफ, उनके हाथ देखो, वेल्डिंग का काम कर करके, खराद का काम कर करके, क्या वो नहीं माँ के हाथ वे तू को वेखन दिया। यकीन कर सियासतदाना ने पता नहीं कदों साडे मुल्क नूं बेहतर करना है। भट्टो दौर चंगा हुंदा सी। आप भुट्टो दौर में थी? जिदन भट्टो साहब की सालगिरह सी ना। जी जी, उदन मेरा विआह होया सी। अच्छा, इस खुशी में कि उनकी सालगिरह है, असीं लाट काणे जाणा, मियां बीवी ने दोवें भट्टो साहब दे सालगिरह दे उत्ते इंज एक दूजे को केक खोणा, किसे दे मूंह ते वज्जणा। आप इस बार वोट किसे दे रही हैं? वोट मैं उन्हें ही दवांगी जिहड़ा कोई चंगा काम करेगा। हुण समझ आउण नहीं दई होना की है ते करना की है। पहले आप किसे वोट देती थी? पहले तो भट्टो साहब नूं वोट दिता, मैं अज तक भट्टो साहब नूं ही वोट दिता। भुट्टो दौर में सबसे अच्छी बात क्या थी? सब तो अच्छी गल ये होंदी सी कि साडे घर दे सराहणे भी तीन रंग दे। अच्छा। रसाइयां भी तीन रंग दियां। अच्छा। इंज मूंह तो लैणी ते विचों यकीन कर नारियां दियां आवाज़ां आउणियां। खाला जी बच्चे इन्ने रंग दे क्यों जम्मे आ? पुत्र मैनू की पता भी उन्होंने हुण की रंग फड़ना है। जिन्नियां साड़ी तीन तीन रंग दियां चीज़ां सी ना जी जी, रजाई उत्ते लैणी, साडा मूंह एक साइड तो लाल एक साइड तो हरा हो जांदा। अच्छा ये बताओ कि तुमने सबसे पहले नशा किसके कहने पे किया? दस दें शफी दे मुंडे ना फिरना है। मैं कह नहीं सौ ना फिर नशे यार, नशे वास्ते केड़ा किते बाहरों फोन आउंदा भी कर ला बेटे। नहीं सबसे पहले कोई इंट्रोड्यूस कराता आपको? हां ऑफ कोर्स, कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है। सोबत हुंदी है सोबत जी, मिजरी लव्स कंपनी। सबसे पहले आपको कोई इंट्रोड्यूस कराता, और यूजुअली वो कराता जिसको ये पता होता है कि आप वोट करते हैं
बिल्कुल वो अब बिल्कुल ड्रेन हो चुका है, तो वो चाहता है कि मेरे साथ मेरा कोई ऐसा दोस्त भी नशे पे लग जाए जो पे कर सकता है, उसके साथ साथ मैं भी करता रहूं। लेकिन ये जो इंजेक्शन लगाते हैं उसमें क्या प्लेजर मिलता है? आप बता सकती हैं, मैं कैसे बता? किसी दिन साड़ी छुट्टी होवे ना तो मिलके असी लाइए साथ। आप मेरी रिसर्च नहीं है, आप बता सकती हैं। मतलब एक नीडल है जिससे लगे ये उसे दर्द होगा। अच्छा, तो कोई क्यों लगवा रहा है? ये कितना वैसे इसमें दर्द होता है? आपको हम खाना खिला के भेजेंगे। फिर बैठे रहने नहीं, रहते नहीं है। ये जाए आपको खिला के भेजेंगे। जा जा अगे, मां नूं की सुख दिता, एक ते आ लैंदे थोड़ा सुख। तेरे हथ बांह फड़ा के जानी है, इहनूं तू ठीक करना, तू पढ़िया लिखिया, मैसेज भी चंगा देना है। ये अज तो बाद तेरा ही पुत्र ही फड़े। ਉਹ ਟੀਨ ਡੱਬਾ ਗਲੀ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਯਕੀਨ ਕਰ। ਕਬਾੜੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਮੋੜ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਹੇ ਹੁਨਰ ਅੱਛਾ ਆ ਜਾਏ। ਠੀਕ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਥੱਲੇ ਵੜਿਆ ਗੱਡੀ ਦੇ, ਸਲੰਸਰ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਆ? ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਮਖਨਾਤੀਸੀ ਟੈਪ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿੱਧਰੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਨਾ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਚਿਮੜ ਜਾਂਦਾ ਐਂ ਕਰਕੇ। ਏਡਾ ਤੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟਰ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਜਦ ਪੈਸਾ ਆਉਣ ਲੱਗੇਗਾ, जब काम करोगे, मेहनत करोगे, तुम्हारा ध्यान वहां लगेगा, फिर तुम कामयाबी की तरफ जाओगे, तो तुम ये नशा भूल जाओगे। अच्छी जिंदगी गुजारने का एक अलग नशा होता है। कारोबार कीता सी शुरू, उतों ही लगा जे, पहले मैं बेचता सा। तुसी जिहड़ियां गल्लां करदे जे ना, मैं तुहाडा प्रोग्राम वेखना तो असर होता है जी, मैनूं बड़ी मोटिवेशन मिलदी उहदे तों। तो क्या फायदा क्या है, तुम तो वहीं खड़े हो। तुसी मशवरा दे दो कि किहड़ा कारोबार होना चाहिए। देखो, कोई चीज यहां से लो, वहां बेच दो, सस्ती लो, महंगी, बड़ा सादा। देखो, ये सिर्फ एक हवा है कि कारोबार शुरू करना मुश्किल है, बहुत आसान बात है। कोई भी चीज सस्ती लो, महंगी बेच दो। चलो, मोबाइलों का कारोबार कैसा है? बहुत अच्छा है, हर बंदे को है ही हो। बिल्कुल है ही, मोबाइल तो बगैर तो बंदा रहता ही नहीं गा। चाह बगैर रह लेता ही, बुढ़ी बगैर रह लेता ही, मोबाइल तो बगैर नहीं रहता। अल्लाह तुहाडे कोल मोबाइल है? हाँ पुत्र, मैं माड़ा जहा रखे है। वो माड़ा जहा, मैं कुश्ती करवानी ओदी। नंबर दसो अपना। हेलो 15। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਤਗੜਾ ਸ਼ਰਮ ਤੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਔਰਤ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮੰਗਣ ਦਿਆ ਮੈਂ ਖਾਲਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਭੱਲਾ ਹੀ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਾਂ ਸਹੀ ਕਰੋ ਅੱਛਾ ਹੀ ਹੈ ਕਰ ਤੂੰ ਵਾਲਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਰੋ
नेकी की बात है, खरीद लूंगा मैं। मैं कह रहे हैं पीटीए अप्रूव्ड। अच्छा दिखाओ यार कौन सा है, ये तुम्हारे पास ही है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चेक करो। वाह अरे वाह, चेक करो बाबा। अच्छा ये यार ऐसा बिल्कुल सेम मेरे पास है, अगर ना होता तो मैं खरीद लेता, लेकिन मैं चलो घर बच्चों नु दे देना। ये तो मेरा फोन है। ये तो आड़े जी कारोबार का मशवरा किने देता है? लवो फिर पीडीए का बंदा जिदा तू मोबाइल चौके तो जेब च पा लिया है, तू जो चौकी लिया तो मां नु तो फड़ा। नाज़रीन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो मेरा हाथ इस वक्त नीला पड़ रहा है सर्दी से। आपका हाथ नीला पड़ रहा है? तेनू रंग लग गया, तेनू रंग लग गया। ओ सर्दी ना तेरे ते हाथ नीले होंदे, कईयां दे मुंह काले होंदे ने। सर अज मैनू तो सर्दी लग ही नहीं रही। क्यों? मैं उदों दा गोगा सेक रहा हां। वेलकम बैक नाज़रीन। जी इरजा, अगर आप सबकी इजाजत हो तो ऑडियंस के पास पहले 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 मुझे ये बताएं कि आधा शो आपने बगैर ग्लव्स के किया, अब आपने ग्लव्स पहन लिए, क्या हुआ? आपने कहीं अमानत से शेक हैंड तो नहीं? अगर मैं आपको दिखा सकूं तो मेरा हाथ इस वक्त नीला पड़ रहा है सर्दी से। आपका हाथ नीला पड़ रहा है? तेनू रंग लग गया, तेनू रंग लग गया। ओ सर्दी ना तेरे ते हाथ नीले होंदे, कईयां दे मुंह काले होंदे ने। सर अज मैनू तो सर्दी लग ही नहीं रही। क्यों? मैं उदों दा गोगा सेक रहा हां। जी इरजा, तो आप क्या कह रही थी? इजाजत दे दे ताकि ऑडियंस के पास। जी 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 चले। एक सवाल, आपको क्यों इतनी सर्दी लगती है? क्योंकि मैं गर्मी का जानवर हूँ। अच्छा, जानवर नहीं है तो मनी ना कि मैं जानवर हूँ। गर्मी का जानवर नहीं, तुम लंडे का जानवर। ये बहुत बुरी बात थी। नहीं नहीं अच्छी बात, अब आपको खे 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 करना था। ये माइग्रेट होएगा ये साइबेरिया तो।
अगर साइबेरिया से आई होती तो मुझे ठंड ना लग रही होती। जो ठंड दा करके इधर आंदे है। बात सही है। बहुत अच्छा। यार चलिए एक बार बहुत अच्छे यार। आपको पता है कि उमाया कौन में आपको रहना चाहिए? आपको फिर सारी जिंदगी सर्दी नहीं लगेगी, जो सबसे ठंडा गाँव है। मुझे नहीं रहना वहाँ पे। आपको पता वहाँ इतनी ठंड होती है वो केले से कील ठोंक लेते। क्यों जी, मैं जिंदगी की पहली बार सुने ये केले ना कील ठोकता। वो मछली से कील ढोंक लेते हैं। हाँ जी, और थोड़ी फ्राई करके खा लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम नुमान शाह, सॉन्ग पेश करना चाहूंगा मैं। कर दें पेश। बड़ा होके गाऊं? नहीं नहीं बेटा, बैठ के बड़ा होके गाना तेरे थले आया। ना हो के भी करीब तू हमेशा पास था, किसो जन्म भी देखता मैं तेरा रास्ता, जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआं तेरे हवाले कर दिया। भाई नुमान अल्लाह तेरी जिंदगी करे, हजे तू खड़े होके गाना चाहुंदा सी। एहो जिहा गाना ते बह के भी नहीं गाईदा, लोक के गाईदा। अल्लाह नूं जिंदगी दे, एहो जिहे बंदे नूं खुदा ना करदा फांसी भी हो जाए ना, तो आखिरी ख्वाहिश मैं गाना ही गावांगा। उतो कह रहे हैं जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले, रह की गया चिपर जी। यार ना करें यार, नुमान शाबाश, आप मेहनत करते रहे। बहुत अच्छा जी। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट कौन भाई है जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से बोल रहे हैं आज? मैं यहाँ अपनी जगह से बोल रहा हूँ। जी जी बताएं। बहुत हंसी मजाक चाह रहा है तो मैं सोच रहा हूँ कि कोई पोएट्री सी हो जाए, सीरियस हो जाए। अरे वाह वाह वाह, सुना फिर। समझ में नहीं आता इनको, शराफत से कोई इन्हें समझाइए, कितने खसारे होते हैं मोहब्बत में कोई इन्हें बताइए। वाह वाह वाह, कहते हैं मोहब्बत में मिल जाती है वफा, ये कहते हैं मोहब्बत में मिल जाती है वफा, ये बात है तो जाइए ढूंढ के आइए। अरे इतनी दुखी शायरी अब हम अगले 200 साल तक हंस नहीं सकते। इन्हें यहू जो शेर सुना के ना किसी साडा मरहूम मार देना। चाली भाई, ये लड़का आपका जानने वाला नहीं है? आपने कोई बताया नहीं कि यह लड़का चाचा? इस तरह का बच्चा सीरियस तुरै जाता हो ना, कोई ना कोई धक्का जरूर दे देता है। यार क्या फजूल बात है। जी नेक्स्ट जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरियम है जी। तो मैं एक पोएट्री सुनाना चाहूंगी। जी जी, अता करें अता करें। तुम लहजा एक सा रखते हो, तुम लहजा एक सा रखते हो, अल्फाज बदलते रहते हो। वाह 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 वाह। तुम लहजा एक सा रखते हो, अल्फाज बदलते रहते हो, कभी इश्क कभी खंजर अंदाज बदलते रहते हो। तेरे पीछे पीछे रहते हैं, तेरा हर ठिकाना देखा है, ये जो घर बदलते रहते हो, बेकार बदलते रहते हो। अब तुम्हारा सर एक सा ही है, तुम बाल बदलते रहे। नेक्स्ट जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अंकल गोगा से एक क्वेश्चन करना चाहता हूं। अंकल गोगा फाइनल। वाह वाह, बहुत बहादुर बच्चा। बेटा तेरा ही हौसला। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, आपने किसको देख के रंग पकड़ा है? इन्हें रंग फड़ के तो सिर चिपा लिया। अच्छा गोगा, वैसे मैंने ये देखा है, इस सवाल को मैं थोड़ा रीफ्रेज कर दूं। मैंने देखा है जितने कॉमेडियंस होते हैं, फनकार अदाकार होते हैं, उनका कोई ना कोई उस्ताद होता है, चाहे वो रूहानी उस्ताद हो। तो आपका उस्ताद आप किसको मानते हैं? पहले तो मैं रूहानी तौर पर मस्ताना साहब नु मानता सी उस्ताद। अच्छा एक बात तो है भाई। हाँ जी। मस्ताना साहब बहुत शानदार। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। और मस्ताना साहब का एक अलग ही स्टाइल था। क्या बात, किस तरह वो जुगत लगाने के बाद पतंग उड़ाते थे। अरे वाह वाह, मजा आ जाता था। अच्छा तो वो आपके रूहानी उस्ताद थे, फिर वो ख्वाब में आए, उन्होंने कहा कि शराब
ऐसा हुआ था? नहीं, ये तो तुम्हारे सामने ख्वाब आया ही नहीं। क्या हुआ फिर? रूहानी तौर पे मैं उन्हां दा फॉलोअर सी। और सलीम क्या है जुबानी तौर पे? नहीं सर, फिर एक रस्मन मैं फिर सलीम साहब दा होया शगे। रस्मन जी करो, एक चादर ले आया मैड़ी जी, पाई आ मठियाई, एक धागा पता नहीं कितना कमीज दा ही खिचिया जी। अच्छा फिर शिगिर्द होण आ गया जी, कहंदा जी मैनू अपनी शिगिर्दी च लै लो। नहीं, लेकिन अपने असाजा में तुम सलीम साहब को कहां रेट करते हो? रेट में करदा 800। कोई नेचुरल ना केमिस्ट्री साडी आपस में मिल गई है। हां चलो, कम से कम केमिस्ट्री तो आपस में मिलती है। हां चलो, वो लोग देख रहे हैं बस। नहीं मैनू क्यों तू उस्ताद मानना है, मैनू ये तो दस। नहीं तू अपने आप ने इस लायक नहीं समझदा कि तेनों उस्ताद मनिया जाए। लो जी उस्ताद जी ने फौरन अपनी बांह तो धागा खोल दिता जी। नहीं तू जो मेरे घर मेरा शगिर्द होण आ गया, तेरे मेरे निके निके बच्चे कोई गोगे ख्याल कर। इन्हें यकीन करो मेरे कोल बैठा, मेरा दिमाग ही बंद हो गया, मैं फौरी इन्हू शगिर्द कर लू। जी नेक्स्ट जी कौन है? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद श्याम है, मेरा सलीम साहब से सवाल है। सलीम साहब, अंडे इतने महंगे क्यों हैं? वो समझदा मेरा पोल्ट्री फार्म है। किन्ने दा एक अंडा? अंडा भाजी अगर तुसी ताजा लेना तो फिर तो महंगा ही मिलेगा। वो ताजा तू अंडा दरख्त नालो तोड़ के देना। इससे पता लगता है कि ये शख्स कितना अमीर है कि इसको ये भी नहीं पता कि अंडे की क्या रेट चल। सलीम साहब बता दें आज अंडे का क्या रेट मांग रहे हैं? 25 रुपए भाई अंडा। अंडे गरम अंडे। एक मिनट 25 जी 13 मेरा। हां 1 करोड़ रुपए के अंडिया का सौदा हो गया। चल तू थले रखने। जी नेक्स्ट जी कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम इंजीनियर इम्तियाज असद है जी। और आप लोग महंगाई के इस दौर में और परेशानी के दौर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोगों को हंसा रहे हैं। थैंक यू। तो आपके शो को सेलिब्रेट करने के लिए मैं अपने साथ जो है वो केक लेके आया हूँ। केक है कहाँ भाई, जरा लेकर तो आए केक। क्या ये केक है? नहीं नहीं नहीं, जादू से इसमें से केक निकलेगा। अरे वाह सर, थैंक यू वेरी मच जी। और हरुण साहब जी, जी ओ देखो आगा साहब की तस्वीर, वो केक वाल वेख के मुंह खोल रहे हैं। और मेरा ख्याल है फोटो तेरे उत्ते लगी हुई है। विक्की ते गोगे दी फोटो को ले ऐसी खाना नहीं। अच्छा क्या ये चॉकलेट केक है? जी जी चॉकलेट केक। ये अरे वाह वाह, अच्छा इतना खूबसूरत केक है, मेरा दिल कर रहा है मैं वहां जाके खुद आपके साथ ही केक काट। वाह 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 वाह। अच्छा ये हो जाए एंकर कटने लगे, कहना बहुत खूबसूरत है, मेरा तो जी चाहता घर ही ले जाऊं। आइए जी आइए, प्लीज आप आइए। सर थैंक यू वेरी मच। बहुत मजे का केक, नहीं बल्कि नहीं ये गाड़ी में रखो यार, नहीं मजे का। एमरजेंसी करना। थैंक यू वेरी मच जी, रियली हम्बल। थैंक यू वेरी मच ऑडियंस, आपका शुक्रिया। प्लीज बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब, और आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ये केक खाएंगे, आपको याद करेंगे, और आप ऐसे आते रहा करें हमारे शो में केक लेके। आजकल तो देखे ना, हर चीज का केक बना होता है, कभी बैग बना होता है, कभी जूता बना होता है, लिपस्टिक्स बनी होती है, कभी कप्स बने होते हैं, गाड़ी भी। जी जी, अब 21 साल के रहने अपनी फोटो तो बना लिया अपने मुंह का। हाँ जी हाँ जी, फिर किसी ने भी नहीं खाता, उदा भी आ रहा है। वो काटा नहीं, वो केक छुरी ना कटी देना। जी जी, उधर बच्चे जुतियां मारते रहे हैं। और बच्चों ने इतना गुस्सा सी, उन्होंने मोमबत्ती नहीं लाई, फिर पेट्रोल पा के अग लाई। अच्छा जी, आज मौसीकी के लिए हमारे साथ एंजो ब्लेस मौजूद है, और ये इनका एक अपना गाना है, जरा बताइएगा थोड़ा अपने गाने के बारे में। जी सर, व्हाइट लव मेरे सॉन्ग का नाम है। व्हाइट लव, आगा साहब ने भी एक गाना बनाया है। कौन सा? फैट लव। भाई तेरे फैट लव। ए जेडी कुड़ी सेंटर च बैठी, ए लंडे जो लई तुसी? क्यों? मैं ऐसी दिखती हूं? हां चाइनीज फिल्मा जी, सिर्फ एहो जी कुड़ी ना दुआना कट के देंदी, लड़ाई शुरू हो जांदी। नाज़रीन ये था आज का शो, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। होशियारियां होशियारियां।